Dear students, today we are taking the topic strategies for market segmentation या बाजार विभक्तिकरण की व्यू रचना है। अन्य शब्दों में हम इसे लक्ष्य बाजार के चयन की व्यू रचनाएँ भी बोल सकते हैं। तो बाजार विभक्तिकरण का मीनिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब बाजार विभक्तिकरण का प्रमुख उद्देश्य लक्ष्य बाजार का चयन करना है ताकि उपभोक्ताओं को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सके, अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सके। लक्ष्य बाजार के चयन के लिए किसी भी विपणन व्यूहरचना को अपनाया जा सकता है। तो अलग अलग तरह की व्यूहरचनाएँ हो सकती है, जिसमें कि बेसिकली हम तीन व्यूहरचनाएँ देखते हैं। पहली व्यूहरचना होती है विभेद विहीन या मास मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, दूसरी विखंडीकृत विपणन व्यूहरचना और तीसरी सकेंद्रित विपणन व्यूहरचना हो सकती है। तो इन तीनों में से जो नंबर वन व्यूहरचना है उसके लिए हम डिस्कशन आज कर रहे हैं। तो पहली व्यूहरचना आती है अनडिफरेंशिएटेड एग्रीगेशन और मास मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यानी कि विभेद विहीन या समूह विपणन व्यूहरचना। जब कोई विपणनकर्ता संपूर्ण बाजार के सभी ग्राहकों को एक समान या समजातीय यानी कि होमोजीनियस माल का विपणन कार्य संपन्न करने की योजना बनाता है तो उसे विभेद विहीन विपणन व्यूहरचना कहते हैं। इसमें पूरे बाजार को एक ही बाजार सेगमेंट मान लिया जाता है और यह स्ट्रेटजी संपूर्ण बाजार के ग्राहकों में कोई अंतर नहीं करती, डिफरेंस नहीं करती, भेद नहीं करती है। और विपणनकर्ता यह मानता है कि ऐसे संपूर्ण बाजार खंड के सभी ग्राहकों की विशेषताएं, आवश्यकताएं, रुचियां, पसंद नापसंद सभी एक समान हैं। तो विभेद विहीन विपणन व्यूहरचना के कुछ फीचर्स हो सकते हैं या मान्यता अजम्पशंस हो सकते हैं। ये अजम्पशंस कौन से हैं? पहला हम ये देख सकते हैं कि जो मार्केटिंग करने वाला या विपणन करता है वो ये मानता है कि संपूर्ण बाज़ार में सभी कंज्यूमर्स या कस्टमर्स एक समान हैं, अतः एक ही बाज़ार खंड है, एक ही मार्केट सेगमेंट है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द होल मार्केट इज़ अ सिंपल मार्केट सेगमेंट। सेकेंड इज़ संपूर्ण बाज़ार में विद्यमान सभी ग्राहकों या जो फ्यूचर में होने वाले कस्टमर्स हैं उनकी विशेषताएं, नीड्स, इंटरेस्ट ये सब सेम है, एक समान है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम इसका ले सकते हैं कि संपूर्ण बाज़ार के सभी ग्राहकों की डिमांड समान प्रकार के उत्पादों के लिए है। फोर्थ, विपणनकर्ता मान के चलता है कि समान प्रकार की मांग के अनुरूप एक समान उत्पादों के निर्माण की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ संपूर्ण बाज़ार के लिए एक समान विपणन मिश्रण या विपणन कार्यक्रम की ही आवश्यकता है, अलग अलग विपणन मिश्रण मार्केटिंग मिक्स या मार्केटिंग प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट फीचर हम देख सकते हैं कि इनका मूल्य स्तर भी एक ही होना आवश्यक है, सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स के लिए प्राइसिंग भी सेम ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, समान प्रकार के मध्यस्थों एवं वितरण साधनों का उपयोग संभव है। और लास्ट हम फीचर इसका ले सकते हैं कि सभी प्रकार के कंज्यूमर्स के लिए एक ही सामान का एडवर्टीजमेंट या सेल्स प्रमोशन मेथड या टेक्निक यहाँ पर यूज़ की जाती है। तो इस प्रकार से ये विपणन व्यूहरचना जो हमने देखी है विभेद विहीन, इट मीन्स जिसमें कि कोई डिफरेंस नहीं किया जा रहा है, उसकी विशेषताएँ थी। अब इस स्ट्रेटजी के कुछ लाभ भी हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा लाभ इसमें यह कह सकते हैं हम कि यह उत्पादन और विपणन लागतों में कमी कर सकती है। साथ ही साथ सीमित श्रृंखला या संख्या होने के कारण स्टॉक रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ सकती, तो उसमें लागत में कमी आ सकती है। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की लागत में कमी आ सकती है। प्रमोशनल एक्सपेंसेस में भी मितव्ययता लाई जा सकती है और बाज़ार विभक्तिकरण की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें होने वाले व्यय से भी हम बच सकते हैं। साथ ही साथ इन लाभों के साथ इसकी कुछ दोष और सीमाएं भी हो सकती है। तो अगर हम इसके डिसएडवांटेज देखें तो कोई भी संस्था आसानी से ऐसे उत्पादों का निर्माण नहीं कर पाती है जिनकी कि सबको आवश्यकता हो और जो सबकी आवश्यकताओं को समान प्रकार से संतुष्ट कर सके।
साथ ही साथ भीषण प्रतिस्पर्धा भी उत्पन्न हो सकती है, कंपटीशन में कई लोग आ सकते हैं और इस व्यूहरचना को अपनाने पर बड़े बाजार खंडों में विपणन तो सभी लोग करना चाहते हैं, लेकिन छोटे बाजार खंडों में कोई भी संस्था पहुंचना नहीं चाहती है, तो ऐसे छोटे बाज़ार इसमें उपेक्षित रह जाते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज हम लाभों में कमी की आशंका के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो डेफिनेटली संस्था के लाभों में भी कमी आ सकती है। यह व्यूहरचना उपभोक्ता अभिमुखी बाज़ार में अच्छे परिणाम नहीं दे सकती क्योंकि प्रोडक्ट एक समान होते हैं, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हमने देखे। साथ ही साथ यूटिलिटी भी है इसकी कि जब संपूर्ण बाज़ार में अधिकांश ग्राहक एक ही सामान की विशेषता और आवश्यकताओं आदि के हैं तो ये इसकी यूटिलिटी है। साथ ही साथ जब विपणन व्यूहरचना एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बनाई जा रही हो तब ये लाभदायक हो सकती है। जब कोई संस्था कुछ आधारभूत आवश्यकताओं से संबंधित उत्पाद जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर है, सॉल्ट है, इनका विपणन करती है तब भी ये लाभदायी हो सकती है। और जब संपूर्ण बाज़ार के ग्राहक पर किसी भी विपणन कार्यक्रम का समान प्रभाव होने की आवश्यकता हो तभी उसी स्टेज पर ही है इसकी यूटिलिटी हम देख सकते हैं। तो ये हमारी पहली स्ट्रेटेजी थी। सेकेंड विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।